नमस्ते दोस्तों हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू हमने प्रीवियस वीडियो में ड्यूरेशन मेजर्स के बारे में बात करनी स्टार्ट की थी और हमने डिस्कस किया था मैक्यूलेज और मॉडिफाइड ड्यूरेशन मैक्यूलेज ड्यूरेशन क्या होता है जहां पे हम लोग टाइम वेटेड एवरेज ऑफ बॉन्ड कैश फ्लोज निकालते हैं तो हम ईयर वाइज लिख देंगे उनके कैश लोज लिख देंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू लिख देंगे उस प्रेजेंट वैल्यू का ओवरऑल बॉन्ड के प्राइस में वेट कितना है वो लिख देंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन टाइम से तो जो हमारा रिलेवेंट वैल्यू आता है वो होता है मैक्यूलेस ड्यूरेशन जो कि हम इयर्स में कैलकुलेट करते हैं जो इनडायरेक्टली है बताता है कि कितने साल में हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा तो ज्यादा साल में आ रहा है तो ज्यादा रिस्क है कम साल में आ रहा है तो कम रिस्क है दैट इज वॉट इज मैक्यूलेस ड्यूरेशन इज ऑल अबाउट और मैक्यूलेस ड्यूरेशन जीरो कूपन बॉन्ड का स्ट्रेट अवे इक्वल टू वॉट दू मेच्योरिटी ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड

एग्जिस्टिंग चेंज होने के बाद नहीं वो क्या बन जाता आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन और उसके बेसिसो कुछ कुछ क्वेश्चन में किए थेक्ट कराया वॉट इज मैक्यूलेस ड्यूरेशन व्हाट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन अब हम लोग जा रहे हैं एक और नए वर्जन ऑफ ड्यूरेशन पे विच इज अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन वॉट अप्रोक्सीमेट अब इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पुराना पार्ट याद दिलाता हूं हमने ये देखा था कि बॉन्ड में जो प्राइस और रिलेशनशिप है, वो स्ट्रेट लाइन लीनियर कर्व ठीक है डायरेक्टली नहीं होता इनफैक्ट जब हमारा यील्ड कम होता है तो जो बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होता है वो यील्ड जब ज्यादा होता है उसके सामने जो फॉल होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है इसीलिए वो थोड़ा सा कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है राइट हालांकि अप्रोक्सिमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी लीनियर रिलेशनशिप ही मानता है लेकिन अप्रोक्सिमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या मानता है ऐसा नहीं है कि जो हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो ये बोलता है कि वाई बढ़े या कम हो आपका परसेंटेज चेंज सेम ही रहेगा लेकिन हमें पता है कि बॉन्ड जो है वो क्या होता है पॉजिटिवली कॉन्वेक्स होता है मतलब जब हम वन परसेंट वाई जब हम वन परसेंट वाई टी एम कम करेंगे तो जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा राइट दैट विल बी ग्रेटर देन जब हम वन परसेंटेज वाई टी एम बढ़ाएंगे तो जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आएगा मतलब अगर एक टका वाई टी एम बढ़ाने पे आठ टका गिर रहा है तो एक टका वाई टी एम करने पे आठ से थोड़ा ही ज्यादा कंसिडर होगा तो अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बोलता है के कई बार हमें बताया हुआ ही नहीं होता कि बढ़ने वाली है यील्ड के कम होने वाली है तो अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलता है भैया एक बार यील्ड को गिरा दो एक बार यील्ड को भरा दो और अपॉन टू इंटू जो आपकी बेस प्राइस है उसको वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एक और बेटर वर्जन आ जाएगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन का क्योंकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन में हम यूनिट डिरेक्शनल मान रहे हैं ये मान रहे हैं कि प्राइस जितना बढ़ेगी उतने से ही कम होगी जबकि एक्चुअल में प्राइस इतने से कम होती है उससे रिलेटिवली ज्यादा बढ़ती है तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये बोलता है कि कम होगा तो कितना प्राइस होगा ज्यादा होगा तो कितना प्राइस होगा उसको आप कंसिडर कर लो मैं दो एग्जांपल के थ्रू ये समझाता हूं सपोज एक बॉन्ड है जिसका कूपन रेट है 12% जिसका कूपन रेट है 12% और वो बॉन्ड पार पे ही ट्रेड कर रहा है मतलब उसका YTM भी उसका वाईटीएम भी कितना हो गया है ट्वेल्व परसेंट ही हो गया है अब आपको देखना है सपोज उसका एन है सपोज फाइव इल्यू है, 5 years और face value है 1000। वापस ध्यान से सुनिएगा सारा डेटा बॉन्ड का कूपन है ट्वेल्व परसेंट वो पार पे ट्रेड कर रहा है मतलब उसका वाई भी ट्वेल्व परसेंट हो गया क्योंकि हमें पता है जब कूपन इज इक्वल टू वाई होता है तो बॉन्ड पार वैल्यू पे ट्रेड करेगा एंड इज इक्वलता है तो प्रीमियम पे ट्रेड करेगा कूपॉन लेस वाई टी एम होता है तो डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा, तो करेगा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे एक बार वाई टी एम को कितना करेंगे आपका इलेवन uh, परसेंट और एक बार वाई टी एम को हम लोग कितना करेंगे थर्टीन परसेंट राइट तो चलिए कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले मैं एन में डालता हूं फाइव आई बाई वाई में डालता हूं पहले ट्वेल्व डालते हैं जस्ट वेरिफिकेशन के लिए कूपन डालता हूं 120 और हजार आपका फ्यूचर वैल्यू डालता हूँ और कंप्यूट पीवी करता हूं तो हजार ही आएगा राइट अब मैं वाई को डाल रहा हूं इलेवन और कंप्यूट पीवी कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है बॉन्ड का प्राइस वन और जब मैं आई बाई वाई थर्टीन डाल रहा हूं और कंप्यूट पी कर रहा हूं तो आ रहा है 964.82 मतलब मैंने एक बार बढ़ा भी दिया एक बार कम भी कर दिया अपॉन 2 बेस प्राइस कितने थे 1000 क्योंकि वी 0 मतलब जब वायटीएम 12% था into कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है 1% मतलब 0.01 लिख देता हूं तो ये कितना आएगा इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 964 और 1000 36.96 का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा सेवेंटी टू पॉइंटी 0.01 तो ये कितना आ रहा है 20 राइट right? तो 72.13 डिवाइडेड बाय 20 करते हैं हम लोग तो हमारा कितना बैठ जाता है 72.13 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 3.60 तो अप्रोक्सीमेटली हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना आया है थ्री पॉइंट सिक्स जीरो पे हमने एक बार बढ़ा दिया bond की प्राइस को एक बार कम कर दिया देखो अगर हम नॉर्मली देखे तो यहाँ पे कितना चेंज आया था थाउजेंड का तो 964 हुआ था, मतलब तो था करेक्ट? और बढ़ा कितना इधर सिक्स नाइन परसेंट हमने थ्री पॉइंट सिक्स नाइन और थ्री पॉइंट फाइव वन का अप्रोक्सिमेटली एवरेज कर दिया तो कहीं ना कहीं वो थ्री पॉइंट सिक्स आ गया दिस इज नथिंग बट एग्जाम्पल लेता हूँ सपोज हमारा, हमारा ट्वेंटी मतलब का चेंज का अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन ढूंढना है तो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले सपोज एन है हमारा सिक्स तो पहले एन में डालूंगा सिक्स आई बाई वाई में मैं डाल दूंगा एक बार पंद्रह PMT में मैं डाल दूंगा वन फोर्टी और वन थाउजेंड में डाल दूंगा फ्यूचर वैल्यू में और कंप्यूट PV करूंगा तो अगर मेरा YTM 15 होता है तो हमारा बॉन्ड का वैल्यू कम हो जाएगा कितना हो रहा है नाइन सिक्सटी टू पॉइंट वन सिक्स और वाई टी एम अगर हमारा थर्टीन परसेंट हो रहा है तो थर्टीन में हमारा PV हो जाएगा वन थाउजेंड थर्टी नाइन पॉइंट नाइन एट 1039.98 तो अब हम क्या करेंगे 1039.98 ये जब YTM कम हो रहा है तो इतने से बड़ा है जब YTM बड़ा है तो इतने से कम हुआ है अपॉन 2 1000 कितना आ रहा है 0.01 लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं 1% चेंज हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें चेंज करना है कितना मात्र 25 बेसिस पॉइंट्स मात्र 25 बेसिस पॉइंट्स तो अगर आप 25 बेसिस पॉइंट्स के बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे आपको इसको हल्का सा चेंज करना पड़ेगा ये आपका अब वन परसेंट से चेंज नहीं होके कितना हो जाएगा फिफ्टीन फोर्टीन पॉइंट टू फाइव एंड थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव तो चलिए लेट्स फाइंड आउट दाइस फोर्टीन पॉइंट टू फाइव जब मैं आई बाय वाई कर दूंगा मतलब मैं पच्चीस बेसिस पॉइंट से बढ़ा रहा हूँ

तो चलिए इसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग इसका डिफरेंस आ रहा है नाइन नाइनटी पॉइंट थ्री फोर तो ऊपर आ रहा है नाइनटीन पॉइंट फोर फोर नीचे आएगा टू थाउजेंड इन टू पॉइंट डबल जीरो टू फाइव तो कितना आ रहा है आपका फाइव तो नाइनटीन पॉइंट फोर फोर डिवाइडेड बाय हम फाइव करते हैं तो कितना आ रहा है आपका थ्री पॉइंट एट नाइन This is अगर हम लोग क्या करेंगे 25 का ला रहे हैं। तो 25 में हम 14 को कितना 14 .25 और जितना कम कर रहे हैं तो प्राइस कितना होगा जितना बढ़ा रहे हैं तो प्राइस कितना कम होगा उनका डिफरेंस ले लिया और नीचे उसी बेस चेंज को लेके हम लोगों ने वैल्यू ढूंढ लिया ये हमारा परसेंटेज चेंज में ही है क्यों अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन मॉडिफाइड ड्यूरेशन से बेटर है क्योंकि वो इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस सेम परसेंटेज मानता है जबकि एक्चुअली तो सेम नहीं होता इंक्रीज ज्यादा होता है डिक्रीज कम होता है तो उसका एवरेज कर दे रहा है हमारा अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये हमारा एक और कॉन्सेप्ट कवर हुआ रिलेटेड ड्यूरेशन तो हमने तीन कॉन्सेप्ट कवर कर लिए मैक्यूलेस मॉडिफाइड अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इफेक्टिव ड्यूरेशन जो इन सबसे बेटर वर्जन है हालांकि उसका सिर्फ अभी फॉर्मूला ही है उसका डिटेल कैलकुलेशन हम लोग आने वाले लेवल्स में देख